गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे और लगातार एग्जाम्स सर पे आते जा रहे हैं और एक कहीं ना कहीं अब ज्यादा कॉन्शियस होकर पढ़ने का टाइम आ चुका है। पेपर जरूर होंगे उम्मीद है पूरी पूरी, क्योंकि IBPS ने भी क्लियर कर दिया कि वो एग्जाम लेगा। जो पहले कह रहे थे ना पेपर पोस्टपोन हो गया, अब वो आ गया कि नहीं, मेल के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं कि पेपर एज इट इज चलेगा, जो इस संडे से स्टार्ट होना था। अलग अलग शिफ्ट में मेरे 4 या 5 दिन चलना था। तो आप ये मान के चलिए कि जितने एग्जाम्स बताए जा रहे हैं ये आने वाले दौर में जरूर हो जाएंगे। अब आपकी तैयारी होगी या नहीं होगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप अकेले जिम्मेदार हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सरकार किसी का ठेका नहीं उठाएगी, नहीं कोई और, कोई दूसरा आदमी। ये तुम्हें खुद करना है कि हम कितना पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि सिलेक्शन ले जाएं। चलिए, कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था और टॉपिक था, कल शायद मराठा कंप्लीट हुआ था ना, सिख, हाँ सिख कंप्लीट करा दिया था मैंने। अब देखो धीरे धीरे हम लोग ना 3 काल है हिस्ट्री में। प्राचीन काल तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, इसके बाद हमने मध्यकाल देखा, मध्यकाल अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ। प्राचीन काल का मतलब था, अगर मैं मोटा मोटा कहूँ जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, तो हड़प्पा से लेके और गुप्तोत्तर तक, यानी गुप्तों के बाद का गुप्तोत्तर काल। ये आपके देश में लगभग इंडियंस ने ही राजपाट संभाला है, और अभी इंडिया का मतलब मेनली इंडिया ही था, या आसपास के देशों में पाकिस्तान अफगानिस्तान तक थोड़ी बहुत टेरिटरी कनिष्क जैसे लोगों की फैली हुई थी। लेकिन इस काल के बाद जब मध्यकाल में हम पहुंचेंगे तो हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण लगातार बढ़ते चले गए, और विदेशी आक्रमण का कारण था कि इंडिया बहुत रिच था। चोरी उसी के घर में होगी ना जिसके में कोई सामान होगा, अब भिखारी के घर में थोड़ी चोरी होगी। तो इंडिया पे नजर इसलिए गई क्योंकि इंडिया अमीर था, धन धाने से भरा हुआ था, यहाँ बहुत सारा पैसा था राजाओं के पास भी। इसलिए धीरे धीरे करके विदेशियों को दिखा कि इंडिया जाके एक बार लूट के अगर सामान ले आओ तो अपने देश में 10-20 साल आराम से कर सकते हैं। इतना पैसा यहाँ, करोड़ों रुपए का सोना तो यहाँ ऐसे मंदिरों में खुले में बिना ताले के किसी भी मंदिर पर अटैक करो, करोड़ों रुपए की मूर्तियां उठा के ले जाओ, तो बहुत आसान था यहाँ। इसलिए इंडिया पर लगातार मध्यकाल में विदेशी आक्रमण बढ़ते गए, और धीरे धीरे हमने देखा कि आक्रमण स्टार्टिंग में सिर्फ पैसा लूटने के लिए थे, लेकिन फिर ये यहाँ बसने का भी प्लान करने लग गए। और ऐसा प्लान किया कि 1206 से स्टार्ट हुआ इनकी बसावट दिल्ली सल्तनत के नाम से। ये सारे मुस्लिम ही तो हैं, दिल्ली सल्तनत जो मॉमडन कम्युनिटी है इन्होंने ही राज किया। ये नहीं होता कि ये विदेशी हैं, क्योंकि हम देखते थे हड़प्पा वाले टाइम में भी बहुत लोग बाहर से आए। अगर आप किसी देश में नए आए हैं, आप वहां बस गए हैं, आपने उसको अपनी मातृभूमि मान लिया, आप वहीं के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप आते हैं विदेशी, पैसा लूटते और भाग जाते हैं, और ये यहीं बस जाते हैं, यहां का पैसा बाहर खिसकाते रहते हैं, जैसा कि अंग्रेजों ने किया। मुस्लिम कम्युनिटी जो यहां पे अटैकर्स के रूप में आई थी, ये अरबी और तुर्की थे, या तो ये अरेबियन कंट्री से आए थे या तुर्की जो लोग थे ये वाले थे। तो इन दोनों के धीरे धीरे करके इंडिया में कहीं ना कहीं इंडिया की भी कमजोरी रही होगी, कोई विदेशी अगर आ रहा है तो यहां भी तो ताकतवर राजा नहीं है। अगर यहां कोई ताकतवर राजा होता तो कैसे एंट्री करने देता, और अगर एंट्री हो भी गई थी तो उखाड़ के फेंकता। लेकिन ये हमारी भी इंडियंस की भी कहीं ना कहीं इस बात को मानना चाहिए, कमजोरी रही जो विदेशी ताकतें यहां हावी होती गई। इन विदेशी ताकतों में एक अच्छाई ये थी कि इन लोगों ने इंडिया को अपना मान लिया, इंडिया से पैसा कमाया, ये बादशाह बन गए, सुल्तान बन गए, इंडिया के लोगों से टैक्स लिया, जिसमें कि हमारी ओरिजिनल जो यहीं की जनता थी, लेकिन उस टैक्स को इन्होंने इंडिया में ही लगा दिया। इंडिया में इन्होंने GT रोड बनवाया, शेरशाह सूरी का नाम आपको याद होगा, इन्होंने हमारे यहाँ पर कितने सारे काम किए, बड़ी सेनाएं बनाई, बड़े बड़े किले बनाए, यहाँ पे एक सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो रखी ना, ये नहीं आते कोई और आता, क्योंकि इंडिया तो सोने की चिड़िया था। तो अगर देखा जाए तो मध्यकाल जो है ये पूरे का पूरा विदेशी आक्रमणकारियों ने इंडिया पे हावी होकर और धीरे धीरे यहाँ पर राजपाट संभाल लिया, और ऐसा संभाला राजपाट कि इनका ही वर्चस्व इंडिया पे छाया रहा लंबे टाइम तक। और जो लोग पहले सिर्फ यहाँ अटैक करने आए थे वो यहीं की जनता बन के रहने लग गए, इन्हीं के साथ आए सैनिकों ने यहीं शादी ब्याह कर लिया, उनकी अगली पीढ़ियां यहीं बनती चली गई। और हमने पढ़ा था, देखो जहांगीर की पत्नी भी राजपूत महिला थी, शाहजहां ने भी राजपूत कन्या से शादी की, ये पढ़ा था ना हमने सारा। तो यानी इंडिया के लोगों के जो अगली पीढ़ियां आ रही हैं वो एक मिक्स ब्रीड है, जिसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के, बुद्धिस्ट भी हैं, जैनी भी हैं, तो अलग अलग सा कल्चर यहां डेवलप होने लग गया। ये राजपाट इन्होंने संभाला, इन्होंने बड़ी सेना बनाई, अपना नाम कमाया, और आसपास के देशों में एक तरह से इनकी पैठ हो गई कि भाई इंडिया के आसपास का एरिया सेफ हैंड में है, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों ने अपना आधिपत्य जमाया। लेकिन हमने देखा मुगलों में भी भाजसा के बाद धीरे 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 उत्तर मुगल शासक कमजोर साबित हुए और इसका फायदा उठाएंगे फिर से दोबारा से विदेशी, और इन विदेशियों के काल में ही फिर एंट्री हो जाएगी हमारी मध्यकाल से आधुनिक काल में। आधुनिक में मेनली पढ़ाया जाता है जो 18वीं शताब्दी के बाद का भारत है, 18वीं शताब्दी के बाद का, यानी 1700 जब एंड होगा तो 18वीं शताब्दी आप बोलेंगे, 1700 के बाद से, ठीक है, हमेशा शताब्दी एक आगे की बोली जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे देश में जो ये अंग्रेजी कंपनी आएंगी ना, अंग्रेजी भी, पुर्तगाली भी, फ्रांसीसी भी, विदेशी जिसको हम कहते हैं ये अंग्रेज टाइप के लोग, इन सब के आने के साथ हमारे यहाँ जो काल आया वो आधुनिक काल है। जब तुर्की और अरबी लोग आए थे तो हमारे यहाँ मध्यकाल था, और जब ओरिजिनली सिर्फ इंडियंस ही मेन थे तो वो था प्राचीन काल, तो जिसमें आप पढ़ते थे सिर्फ हिंदू धर्म था, बौद्ध था और जैन था, ये मेन थे। फिर मध्यकाल में आते आते इस्लाम का उदय हुआ, 610 ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, हीरानामा गुफा में, फिर अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण, और फिर अगले 1000 साल तक इंडिया पे मुस्लिम शासकों का ही वर्चस्व छाया रहा। उस टाइम कोई भी हिंदू राजा बड़े स्तर पर काम नहीं कर पाया, चाहे वो दिल्ली सल्तनत उठा के हमने पढ़ी या मुगल बादशाह पढ़े। इसके बाद इंडिया पे अंग्रेजों का अटैक, पुर्तगालियों का अटैक, डच का अटैक, डेनमार्क वालों का अटैक, और ये 4-5 ऐसी शक्तियां जो यूरोप से इंडिया को टारगेट बना के बार बार आ रही हैं ताकि हम इंडिया को अपनी कॉलोनी बना सकें, हम इंडिया पे राज कर सकें। और अब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब हम धीरे धीरे आधुनिक की तरफ बढ़ने लग गए हैं। मैंने कल आपको जो पढ़ाया था सिख शक्ति, अब उससे यहां पे एंट्री चलती चली जाएगी, धीरे धीरे संक्रमण होगा। ऐसा नहीं होता कि आज से आधुनिक शुरू हो गया, नहीं, आधुनिक काल मध्यकाल से आधुनिक आते 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 भी कई साल लग गए, कई तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया जिसके कारण हम कहते हैं कि आधुनिक काल बिल्कुल अलग पढ़ा गया। चलिए आधुनिक काल की स्टार्टिंग हो रही है, धीरे धीरे कैसे निकल रहे हैं आधुनिक काल में की तरफ वो बात कर रहे थे हम। तो हम लोगों ने मराठा पढ़े, मराठा में हमने देखा शिवाजी थे, फिर शिवाजी के बाद उनका बेटा संभाजी बहुत लायक था, फिर राजा राम 11 साल राजपाट संभाला लेकिन बहुत लायक नहीं था, उनकी पत्नी ने 7 साल काम किया बढ़िया तरीके से, शिवाजी सेकंड उनका बेटा था, विधवा थी वो राजा राम की, लेकिन फिर शाहू ने आके
या साहू ने आके खेड़ा के युद्ध में अपनी चाची को हरा दिया, राजधानी सतारा पर कब्जा, फिर कैसे पेशवाओं ने आगे अगली पीढ़ियां अपनी जो है वंशानुगत बना ली। पहले मोरोपंथ था लेकिन वो वंशानुगत नहीं था, ये जो विश्वनाथ भट्ट थे, बालाजी विश्वनाथ भट्ट, ये इन्होंने कहा मेरे ही परिवार के लोग आगे पेशवा बनेंगे। और फिर फाइनली जाते जाते काफी दिन बीते बीते अंग्रेजी कंपनी इतनी हावी हो गई कि इसने मराठों से पेशवाओं से संधि की और कहा कि यहां से निकलो, ये तुम्हारा जो इलाका है ना पूना, ये अब हमारा है और तुम जो है कानपुर के पास बिठोर नाम की एक जगह चले जाओ और वहां पेंशन पे अपना जीवन जियो। और फाइनली जाके 53 के बाद तो फिर पेंशन के ऊपर भी उन्होंने चिकचिकबाजी करके बंद कर दी। तभी तो ये क्रांति में साथ हुआ था ये सब कुछ। चलिए, मराठा हमने पढ़ लिया था, फिर हमने देखा था सिख शक्ति के बारे में कि कैसे सिख के 10 गुरु, सिख कम्युनिटी के 10 गुरु हैं, उनमें से पहले गुरु ने तो 1526 की वो पानीपत के युद्ध को आंखों से प्रत्यक्षदर्शी थे वो, फिर देखा वो 1469 में जन्मे थे, फिर अगले गुरु उन्होंने कैसे कैसे काम किया, हमने 10 के 10 गुरु पढ़े थे। पांचवें गुरु का मर्डर हुआ जो कि मुगलों ने करवाया, 9वें गुरु का मर्डर हुआ जो कि औरंगजेब मुगलों में ही थे, अंतिम ताकतवर इन्होंने करवाया। फिर सिखों में बंदा बहादुर को अपना सरदार बना लिया, सिहरी खांडा में उन्होंने हरियाणा के सोनीपत में हेडक्वार्टर बनाया और लोहागढ़ या लोहगढ़ में उनकी राजधानी थी, पर उनका भी मर्डर करवा दिया फर्रुख सियर उत्तर मुगल शासक ने। तो ये दो कम्युनिटी हम पढ़ चुके। आज हम बातचीत करेंगे इंडिया में अब धीरे धीरे जब ये सब खत्म हो रहा है ना, जब औरंगजेब चला गया तो विदेशी ताकतें हावी होने लग गई, आने तो लग गई थी ये 1498 से ही, उस टाइम में दिल्ली सल्तनत थी लेकिन ये हावी नहीं हो रही थी। जो साउथ की तरफ हमारा हिस्सा था ना, पानी वाला हिस्सा, इस तरफ ये लोग आके धीरे धीरे अपना और कोशिश करने लग गई थी कि हमारी इंडिया के साथ व्यापार हमारा शुरू हो जाए। इन विदेशियों का इंडिया आने का सबसे बड़ा टारगेट था, इंडिया में मसाले बहुत ज्यादा थे और ये जो विदेशी है ना ये नॉनवेज शुरू से खाते हैं, नॉनवेज को पकाने के लिए मसाले बहुत जरूरी होते हैं, बिना मसाले के नॉनवेज पकाना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें टेस्ट भी नहीं आता। तो इनके रोज की डाइट जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं रोटी खाते हैं ऐसे ही नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज को रोज पकाना एक बड़ा मुश्किल का काम था, दिक्कत का काम था। मसाले यूरोप में नहीं होते क्योंकि वहां ठंड ज्यादा पड़ती है, मसालों की कंडीशंस जो है वो इंडिया में है या फिर अफ्रीका में है। तो इंडिया में ये लोग आएंगे स्टार्टिंग में मसालों का व्यापार करने के लिए और कहते हैं मसालों के व्यापार से इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि इंडिया में सोना देके जाएंगे, मसाले भर के अपनी नावों में, अपनी इसमें शिप्स में और बदले में सोना। हम स्टार्टिंग में लालच में आ जाएंगे, हमें लगेगा भाई ये फालतू की चीज मसाले जो कि हमारे यूज के भी नहीं है इसके बदले सोना कमा रहे हैं हम। और धीरे 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 करके वो लोग देखेंगे कि इंडियंस में उतना दिमाग नहीं है कि ये लोग रेजिस्ट मतलब किसी चीज को ये विद्रोह कर पाए या इस तरह का काम कर पाए। और ऊपर जैसे ही औरंगजेब का खात्मा होगा ये कंपनियां हाथ पैर चलाने लगेंगी। 1707 में औरंगजेब की डेथ और उसके बाद लगातार कोशिशें जारी कि इंडिया पे मेरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी मेरा कब्जा हो जाए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी मेरा, और फिर ये दोनों आपस में लड़ेंगे हमारे ऊपर राज करने के लिए। फिर इनकी ये आधुनिक भारत में पूरी डिटेल से कराऊंगी, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूं क्योंकि आज टारगेट है मैसूर पढ़ाना, तो मैसूर का बैकग्राउंड बता रही हूं। धीरे धीरे करके ये लोग हावी होती जाएंगी होती जाएंगी और इंडिया में सबसे अमीर प्रांत था बंगाल, सबसे अमीर जहां बहुत पैसा था, कहते हैं कामधेनु गाय था बंगाल। बंगाल में कोई भी आदमी अगर कोई अंग्रेज भी था तो किसी से भी रिश्वत में इतना कमा सकता था जितना वो पूरे जीवन में भी ब्रिटेन में नहीं कमा सकता, इतना अमीर था बंगाल, बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा। इसीलिए ये पहला टारगेट बंगाल को ही बनाएंगे और बंगाल में डिटेल में पढ़ा दूंगी एक दो दिन में, जहां ये प्लासी के युद्ध की घटना को अंजाम देंगे, फिर ये कुछ साल बाद बक्सर का युद्ध जो है वो लड़ेंगे उसमें ये जीत जाएंगे। गद्दारी बहुत जल्दी करते थे इंडियंस की सबसे बड़ी कमी, जानते हो ये जो मध्यकाल से आधुनिक काल में जो कंपनियां हावी हुई ना हमारे ऊपर, इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया में गद्दार भरे पड़े थे। इन गद्दारों को कुछ भी कह लो कुछ भी कर लो, लास्ट मोमेंट आके हमारी हार का सबसे बड़ा कारण बनते थे और ये पता ही नहीं था कि कौन कब कहां गद्दारी कर जाएगा, हर युद्ध में गद्दार थे। प्लासी के युद्ध में जिसको युद्ध कहते हैं ना, एक्चुअल में वो हुआ ही नहीं था, जिसको हम बचपन से पढ़ते हैं प्लासी की लड़ाई, वो लड़ाई लड़ी ही नहीं गई गद्दारी के कारण। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं इंडिया के ना, 99% युद्धों में गद्दारी की है हम ही लोगों ने, इंडियंस ने इंडियंस के साथ, और फायदा किसका करवा दिया, कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और कभी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अपने देश का नुकसान करा के भी हम लोगों में ये बुद्धि नहीं आई और इसी का फायदा उठा के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी छाई कि 200 साल तक एक्सप्लॉइट करती रही इंडिया को, इंडियंस को, और हम आज तक भी मानसिक रूप से उन्हीं के गुलाम हैं। भाई ये पूजा और राहुल हैं, इन दोनों को ब्लॉक कराना पड़ेगा शायद, ये मुझे बता रहे हैं। अच्छा, परिमल सर ने बोला भाई इन दोनों को ब्लॉक करवा देंगे, टेक्निकल टीम जो है आपके लगातार मैसेजेस पढ़ती है, टीचर्स नहीं पढ़ते, टीचर्स इतने फालतू नहीं हो, पढ़ाते हैं, लेकिन एक बच्चे को हमने स्पेशल इसी काम पे लगाया दोनों क्लासेस में, इनमें जो भी गड़बड़ करता मिला ना तुम्हारा सारा डाटा हमारे पास है, ये कोई सोशल साइट नहीं है, यूट्यूब नहीं है कि आप अपनी मर्जी चला सकें। यहां एडमिशन लिया है तो फिर कुछ कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आपके सारी चीजें हमारे पास है, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा ब्लॉक करने में, लेकिन फिर तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, तुम्हारे सारे बातचीत के जो जरिए हैं ना हमारे साथ कॉन्टैक्ट के वो बंद हो जाएंगे। ये पूजा और राहुल, पूजा और राहुल या तो दोनों सुधर जाओ और नहीं तो फिर बात गड़बड़ में आएगी। ये पूजा कौशिक नरवाना, ये तो लिख रही है कि उसमें कि करवा रही, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? पूजा कौशिक नरवाना, सुधरना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में आएगी बात। ये तुम लोग इस टाइम को वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कीमती है। एक और मुझे मैसेज दिखा रहे थे वो परिमल सर के फोन पे किसी ने भेजा हुआ था, क्या नाम था मैं भूल गई उसका, इट्स अच्छा भाई कोई भाई साहब ने अपना नाम लिखा हुआ है, इट्स जांगड़ा बॉय। तो जांगड़ा बॉय भैया सुधर जाओ क्योंकि तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी शिकायत है बड़े स्तर की, और लिखा है कि तुम बहुत गलत भाषा का यूज करते हो, ये गलत भाषा तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कार दिखाती है, जो यहाँ पे जो भी कुछ लिखता है ना हमें नहीं पता ना, हमें तुम्हारे चेहरे पता और तुम्हें आपस में भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की तस्वीर हो तुम लोग, जैसी भाषा बोलते हो ये तुम्हारी माँ के दिए हुए संस्कार है, ये तुम्हारी माँ की दी हुई भाषा है। तो अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए कहीं भी, अपने माँ बाप का हमेशा मान बढ़ाना चाहिए, नहीं तो अगर तुम स्टेज में आके भी ऐसा कर रहे हो, पढ़ने के लिए तुमने 5,000 रुपये लगा रखे हैं 6,000 रुपये लगा रखे हैं और अब भी ऐसा कर रहे हो तो बेहद शर्मनाक है। मतलब अपनी माँ को ये बता के देखना कि मैं ये शब्द यूज करता हूँ या करती हूँ और वो कहे कि बहुत अच्छा है तो फिर यूज करते रहना, और तुम्हें लगे कि माँ के सामने बोलने में भी तुम्हें वो शब्द शर्म आएगी तो ऐसे काम मत करो। ये माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, पैसा ऐसे पेड़ों पे नहीं है कि कहीं से तोड़ा भर दी तुम्हारी फीस, ये 5,000 रुपये वो अपने ऊपर खर्च कर सकते थे घर वाले,
तुम्हारे ऊपर खर्च किए ताकि तुम पढ़ लिख के काबिल बन जाओ। तो अपने शब्दों पे थोड़ा सा ये देखा करो, जब भी कुछ भी लिखते हो ना, कुछ भी टाइप करते हो, जबान से बोलते हो, तो ये सोचो ये मेरी माँ के दिए शब्द हैं, और अगर तुम्हारी माँ वैसी है तो वैसे शब्दों का यूज कर लो, और तुम्हें लगता हो कि मेरी माँ का चरित्र अच्छा है, वो एक अच्छी महिला रही होंगी, तो अपनी जबान को उसके अकॉर्डिंग सुधार लो। ये बहुत जरूरी है, आपको नहीं पता चलता लेकिन आपकी जजमेंट सारी सोसाइटी आपकी जबान से करती है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप बेशक गरीब हैं लेकिन ये दिखता है कि आपके संस्कार अच्छे हैं, और आप कितने ही अमीर हो लेकिन अगर आपको जबान का कैंसर है तो ये दिखता है कि बस दीवारें खड़ी कर ली होंगी लेकिन संस्कार नाम की चीज माँ डाल नहीं पाई बच्चे में। तो बेहद शर्मनाक है, अपने माँ की इज्जत का इतना ख्याल रखना हर एक की जिम्मेदारी। वहां खाते हो ना, जहां जिस घर के में बैठ के पढ़ रहे हो छत के नीचे, उनकी थोड़ी सी शर्म रखो कि उन लोगों ने तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम पढ़ लिख सको, नहीं तो तुमसे बचपन में मजदूरी करवाने लगते या खेतों में काम करवाते तो फिर तुम कहां जाते। अपने आपको शुक्रगुजार रहो भगवान के कि कम से कम पढ़ने का माहौल दिया गया, पैसे लगा दिए गए तुम्हारे ऊपर, नहीं तो ढेर अनाथ हैं जिनके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो अपनी इन चीजों का, टाइम मत खराब किया करो, टाइम बहुत कीमती है। चलो वापस आते हैं, ये सबके नाम ईमेल आईडी सब कुछ है, यहां पे सब कुछ है, एक सेकंड भी नहीं लगेगा किसी की गड़बड़ को, एकदम से ब्लॉक कर देंगे, क्लासेस बंद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम जो गड़बड़ में है। और जो गड़बड़ में हम चाहते हैं कि उसके पेरेंट्स तक ये बात जाए कि उनका बेटा या उनकी बेटी नहीं पढ़ रहे हैं, ये उनका हक है, जिसने पैसे लगाए हैं ना उसका हक है कि वो जाने कि उसका बच्चा किस रास्ते पर है। चलिए तो हम बातचीत कर रहे थे गद्दारों की, अब देखो गद्दारों के बारे में बात कर रहे थे, कुछ यहीं पे गद्दार आ गए जो माँ बाप से गद्दारी कर रहे हैं, जो माँ बाप के पैसे को अपना गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, फालतू की चीजों में जिनका ध्यान है। पहले भी ऐसे निकम्मे गद्दार थे, आज भी 1% लोग तुम में से भी पढ़ने वालों में से भी ऐसे गद्दार हैं, तुम अपने घर से गद्दारी कर रहे हो, अपने माँ बाप से गद्दारी कर रहे हो, अगर पढ़ नहीं रहे हो तो। इन गद्दारों ने क्या किया, इन बेशर्मों ने देश बेच दिया, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की इतनी मदद की, छिप छिप के इतनी मदद की कि अंग्रेजों के पैर जमते 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 इंडिया में वो प्रॉपर तरीके से खड़े होने लायक हो गए। नहीं तो किसी बाहर के आदमी की क्या बिसात, क्या औकात कि वो आके इंडिया पे राज करता, लेकिन ये हमारे गद्दारों की देन है उन घटिया लोगों की जिन्होंने इंडिया को अपना नहीं माना और इंडिया को ही बेचने में जिन्होंने अपना ये मान लिया कि हमें क्या फर्क पड़ता है, गद्दारी करके हम तो अमीर बनी जाएंगे या हमारी पुश्तें तो बैठ के खा ही लेंगी। बहुत सारे एग्जांपल है, टाइम टू टाइम बताती रहूंगी, आज सिर्फ इस पे लाना है इसलिए बता रही हूं। तो मसालों से शुरू हुआ ये व्यापार का एक छोटा सा साधन और धीरे 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 यहां पे अंग्रेजों की पैठ ऐसी बना देगा कि अंग्रेज 200 साल तक यहां पे राज करेंगे। राज करना बहुत बड़ी बात होती है, मराठा और सिख, ये मराठे जो है ना इनके ऊपर भी अंग्रेज ही राज करेंगे फाइनली जाके, और इनको तोड़ देंगे, इनकी शक्ति को खत्म कर देंगे, वो मराठा जो शिवाजी के वंशज हैं उनको खत्म कर देंगे ये अंग्रेज। आज हम लोग जो पढ़ेंगे मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ये मैसूर कहां है पहले इसकी लोकेशन को ध्यान से समझना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। सिर्फ दक्षिण भारत के बारे में बात कर रहे हैं आज हम, दक्षिण भारत के बारे में ध्यान से देखो, यहां पे ये वाला जो इलाका था ना, ये वाला ये पेशवाओं का इलाका है, पेशवा समझे, आपको कल परसों पढ़ाए थे पेशवा, मराठे, मराठों का इलाका है। जो यहाँ इलाका है ना ये वाला, ये है निजामों का इलाका, निजाम हैदराबाद याद है आप लोगों को, हैदराबाद चिन किलिच खां निजामुल मुल्क 1724 ये सब पढ़ाया हुआ है, उनका इलाका है। और यहाँ पे ये जो ये वाला हिस्सा है ना, जो बच गया ये वाला हिस्सा, ये बहुत बड़ा हिस्सा, इसको आप कहते हैं मैसूर, मैसूर। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये है कर्नाटक, कितनी अजीब बात है, कर्नाटक देखो कहाँ है, आज कर्नाटक कहाँ है यहाँ पर, लेकिन तब कर्नाटक ये दक्षिण वाला हिस्सा था, ये थोड़ा और बड़ा था, मैंने निजाम थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा। और यहीं पर मद्रास जो हिस्सा था ना, मद्रास छोटा सा, उस मद्रास में अंग्रेजों ने अपनी एक किलेबंदी करके एक सेफ जगह किला बना के बड़ा सा, और उसमें अपना सामान रखते थे, ये थोड़े बहुत हथियार और इस तरह की चीज़ें, अभी ये डरपोक थे, जबकि मैं बात करूँ थोड़े डरपोक थे ये, तो ये हिस्से थे हमारे। और हमारी दिक्कत क्या थी कि हमारे मैसूर वालों के ऊपर पेशवा जब तब आक्रमण करते थे जब तब निजाम और मैसूर लड़ते थे, तीनों आपस में लड़ते थे, और कर्नाटक जो था ना ये अंग्रेजों को बड़ा भला मानता था, ये अंग्रेजों का चाटुकार था, उनके तलवे चाटता था, कर्नाटक जो था पूरी तरह से भैया मैं तो अंग्रेजों के साथ रहूंगा चाहे जो हो जाए, तब तक तुम गुलाम भी नहीं थे, तब भी ये उनके तलवे चाटता था। निजाम जो है ये ढुलमुल रवैये के थे, इनका नहीं पता, बेपेंदी का लोटा होता ना कभी इधर कभी उधर, इसका कोई स्टैंड ना हो, इन निजाम वालों का कोई स्टैंड नहीं था, कभी ये भाग के पेशवाओं के साथ लड़ने लग जाते, कभी ये मैसूर के फ्रेंड बन जाते, कभी ये मैसूर से लड़ने लगते, कभी ये अंग्रेजों के फ्रेंड बन जाते, इनका कोई अता पता नहीं था कि ये कब अपना पलड़ा बदल देंगे, इनकी कोई इज्जत भी नहीं होती ऐसे आदमी की जो इतना जिसका कोई स्टैंड ना हो। इसलिए देखो हैदराबाद के ऊपर पुलिस कार्यवाही की थी हमने आजादी के बाद, और पटेल उसमें मेन लोगों में शामिल थे जिसने कहा था कि बिना कार्यवाही के यहां बात बनेगी नहीं। चलिए पेशवा मतलब मराठे, निजाम मतलब हैदराबाद वाले, नीचे का हिस्सा कर्नाटक, ये मैसूर, ठीक है। यहाँ पे मद्रास भी एक छोटा सा किला बना रखा है अपना, किलेबंदी कर रखी है अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब क्या हुआ, दो युद्ध में आज नहीं पढ़ा रही उनको, कल परसों में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले अंग्रेजों ने टारगेट बनाया बंगाल पे अटैक करना, क्योंकि बंगाल सबसे पहले आजाद हुआ था, जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, बंगाल अमीर था, खूब पैसा था, पढ़े लिखे लोग थे, तुरंत से आजाद हो गया। और जितनी जल्दी आजाद हुआ ना उतनी जल्दी नजर में आया अंग्रेजों की कि इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा प्रांत है, बहुत अमीर है, क्यों ना इसको हम हथिया ले, अगर हमने इस पर कब्जा कर लिया तो हमारी प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ अमीर लोग हैं, खूब खाता इलाका है, ये टैक्स देंगे, और अगर टैक्स देंगे तो हम अमीर बन सकते हैं, ये अंग्रेजों के दिमाग में आ गया। इसीलिए उन्होंने इसी इलाके पर बंगाल बिहार उड़ीसा तब एक था बांग्लादेश तक का, इस पर 1757 और 1764 ये प्लासी और बक्सर के युद्ध हैं, डिटेल से पढ़ाऊंगी एक दिन के अंदर अंदर, इनके थ्रू इस पे कब्जा कर लिया। 1764 में तो ये क्लियर हो गया कि अब 64 में ये हार गया, तीन बहुत बड़ी सेनाएं हारी, बंगाल के शासक की और अवध के राजा की, नवाब की, और जो मुगल था ना उत्तर मुगल काल में शाह आलम द्वितीय, ये तीन शाही सेनाएं हार गई, और अंग्रेजों की छोटी सी कुछ भी नहीं, अंग्रेज मुट्ठी भर अंग्रेज, इन सब पे हावी पड़े, कारण गद्दार थे यहाँ बहुत सारे लोग, कल जब पढ़ाऊंगी तो उसको डिटेल सुना दूंगी। 1765 में एक चीज क्लियर हो गई कि अब इस पूरे रीजन पर, गंगा के इस मैदान पर, ये बंगाल बिहार उड़ीसा पूरा रीजन, यहां से जो भी टैक्स आएगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के घर जाएगा,
यानी यहां से आने वाला टैक्स जो पहले इंडिया के लोग यूज करते थे, इंडिया के राजा यूज करते थे, अब वो टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर अपने घर ले जाएंगे, अपने देश ले जाएंगे, क्योंकि कंपनी है प्राइवेट है तो अपने देश भेज देंगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब टैक्स मिलने लगेगा तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, भाई ये कंपनी आई थी व्यापार करने, याद करो जहांगीर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था कैप्टन हॉकिंस, याद है कि हम यहां व्यापार कर लें, परमिशन नहीं दी थी उसने, 1608 की बात थी, 1611-12-13 फिर मैंने बताया था टॉम्स रो आया था जिसने की परमिशन प्राप्त कर ली, परमिशन के बिना इतनी औकात नहीं थी कि देश में घुस जाए, और अब ये इतने सिर पर चढ़ जाएंगे कि हम इंडियंस को ये दबा देंगे हर जगह और हम बोल भी नहीं पाएंगे। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद ये क्लियर हो गया सबके दिमाग में कि अंग्रेज यहां से जाने वालों में से नहीं है और ये यहां जमेंगे, क्योंकि इन्होंने इस इलाके से टैक्स अपने इसमें जेब में भरना स्टार्ट कर दिया। टैक्स आया तो ये सेना रखने लायक बन गए, सेना रखने लायक बन गए तो ये और हावी हो गए, आसपास के राजाओं को डराने लग गए, दबाने लग गए, फिर आगे जाके इन्होंने इस चीज का मिसयूज किया और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, मैसूर को टारगेट बनाते हैं 1761 के अराउंड। 61 में आपको याद है एक युद्ध हुआ था पानीपत की, तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ये जो तीसरा युद्ध था ना इस टाइम पर, अब इससे थोड़ा सा पहले, देखो इनके बीच की बात से थोड़ा सा पहले आ गई हूं मैं 61 में, इस 61 में मराठे हार गए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई में, ये मराठे जब हारे तो कहीं ना कहीं उसका असर साउथ में दिखाई दिया, क्योंकि उत्तर में हार गए दिल्ली और इसके आसपास ही बैठ गए थे ना कि फिर हारे, उसका फायदा मैसूर को हुआ। मैसूर में एक यंग उभरता आदमी था जिसका नाम था हैदर अली, हैदर अली, पहले हैदर अली को पढ़ लेते हैं फिर टीपू सुल्तान उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। हैदर अली अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत तेज दिमाग था, बहुत बढ़िया प्रशासक था, इसने चीजों को ना करके सीखा, यानी काम में से निकला, ये कहते हैं जो जितना काम करके देख लेता है वो उतना ज्यादा समझदार बन जाता है, घर बैठे कोई समझदार नहीं बनता, बाहर निकलो, जब आप एक जगह जाओगे आप घूमोगे आपको दुनियादारी समझ में आएगी तभी तो दिमाग बढ़ेगा। तो हैदर अली कहने को तो अनपढ़ था लेकिन मुस्लिम था ये कम्युनिटी में, ये बहुत तेज दिमाग आदमी था और एक छोटी सी सैनिक के पद पर एंट्री हुई थी इसकी, इसने कमाना खाना शुरू किया और अपनी लायकियत के दम पे आगे बढ़ते 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 फाइनली जाके ये सूबेदार बना और फिर इसने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। इसने एक शहर था डिंडीगुल साउथ में, अब यहाँ सिगार बनते थे पीछे बहुत ज्यादा उसके लिए फेमस था, डिंडीगुल को इसने एक नए तरीके से यहाँ काम किया और आधुनिक शस्त्रागार बनाया, यानी मॉडर्न जो हथियार है ना वो आधुनिक शस्त्रागार। आप सब अच्छी तरह जानते हो कि हमारे इंडिया का 1526 में जो इब्राहिम लोधी हारा था, बाबर जीता था, उसका एक बड़ा कारण था बाबर तोप लेकर आया था, याद होगा ना आपको, तोप 1526 की वो तोप यूज हो रही थी, नई नई बनती रही, लेकिन हमारे पास अभी हथियार उतने बढ़िया नहीं थे, जो ये 1700 की कहानियां है ना इसमें हम मुगलों के हथियारों से ही काम चला रहे हैं और उसी टाइप के हथियार है, लेकिन इस टाइम तक अंग्रेजों ने बढ़िया तरीके की बंदूकें बना ली, ऐसी बंदूक जो मिनट में एकदम से जाएगी, भाई तोप चलाने में टाइम लगेगा ना, तब तक तो वो तोपची को मार देंगे, उनके हथियार मॉडर्न है, पूरे मॉडर्न हथियार से लैस है अंग्रेजों की सेना। तो इसने क्या किया, हैदर अली समझदार है, इसने देखा है धीरे धीरे अंग्रेज जो है ना इंडिया पे हावी होते जा रहे हैं और अगर मुझे इनसे टक्कर लेनी है तो मुझे शस्त्रागार आधुनिक बनाना पड़ेगा, इसने आधुनिक शस्त्रागार बना दिया डिंडीगुल में और फिर डिंडीगुल को इसने धीरे 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 करके बढ़ाना स्टार्ट किया। डिंडीगुल बढ़ता गया, इसके बढ़ने से दिक्कत होगी इसको और इसको, अभी अंग्रेजों को दिक्कत नहीं होगी, पेशवा जो है ये इसको परेशान कर सकते हैं क्योंकि पेशवा शिवाजी के वंशज हैं, मतलब शिवाजी की फैमिली में आगे जाके बढ़े थे ये, अलग निकले थे, पेशवाओं को हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि पेशवाओं की दिल्ली तक बात मानी जाती है, तभी तो दिल्ली में जाके ये बैठ गए थे, तो पेशवाओं को हराना बड़ा मुश्किल है और लगातार बढ़ने के लिए या तो निजामों के हिस्से को हड़पना पड़ेगा या पेशवाओं के हिस्से को, भी आसपास से ही प्रॉपर्टी बढ़ती है, प्रॉपर्टी बढ़ेगी तभी टैक्स आएगा तभी सेना बढ़ेगी। तो हैदर अली ने पेशवाओं की तरफ रुख किया तो उसको लगा कि यार ये तो पंगेबाजी हो जाएगी और ये हावी हो जाएंगे मेरे ऊपर। हैदर अली कहते हैं जो किस्मत उसका साथ देती है जो काम करना चाहता है, हैदर अली ने इच्छा थी ना, हैदर अली के मन में सपना था, किस्मत ने साथ दिया और जिनसे उसको डर था वो 1761 की लड़ाई हार गए, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई का हारना इसके लिए फायदेमंद हुआ और इसी क्रम में जब वो हारे तो उनका मनोबल टूटा कि यार हम तो इसमें हार गए और उस मनोबल टूटने के कारण मैसूर को आगे बढ़ने का थोड़ा मौका मिलता रहा। तो पेशवा जो थे ना जिनसे ये बहुत ज्यादा एक तरह से दबाव में थे स्टार्टिंग में, उनकी हार इनके लिए पॉजिटिव साबित हुई 1761 की। निजाम जो है इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, मैंने बता दिया ढुलमुल रवैये वाले हैं, तो मैसूर धीरे करके अपनी टेरिटरी में और अमीर और बढ़िया सेना और अमीर बनता जा रहा है, लेकिन मैसूर के ऊपर भी कब्जा जमाने की कोशिश करेगी बीईआईसी, जिसने की प्रांत या अमीर सबसे प्रांत अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब इसके पास पैसा है, इसके पास सेना है, इसके पास हथियार है, तो अब ये टारगेट बनाएगी किसको, मैसूर को। और मैसूर को टारगेट बनाने के लिए 1761 जैसे था ना, फिर 64 में ये फ्री हो गए, तो 61 की लड़ाई का फायदा बेशक इसको मिला, लेकिन 64 में जब ये हावी हो गए तो अब इनको लगने लगा मैसूर को कि यार आज नहीं कल ये जरूर बीईआईसी वाले हमारे यहां भी आएंगे, सबको दिख रही थी बात और ऐसा ही हुआ। 1767 में बीईआईसी ने निजाम और पेशवाओं को दोनों को अपने फेवर में कर लिया कि भाई तुम दोनों जो हो ना एक काम करो, तुम दोनों मिलके मैसूर पे अटैक करो। और मैसूर जो है भाई हम क्यों करें, क्योंकि बीईआईसी इनके साथ बड़ी फ्रेंडली बन रही थी, वैसे इनके साथ भी गद्दारी करेगी लेकिन पहले इनके साथ फ्रेंडली बनकर पेशवाओं और निजाम दोनों को राजी कर लिया, किस पे अटैक करने के लिए, मैसूर पे अटैक करने के लिए। अब मैसूर वैसे भी अखरता था क्योंकि लगातार मैसूर उभर रहा था और वो है ना कहावत कि भाई अपने आसपास का कोई आदमी उभरता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता, तो मैसूर से दोनों में कहीं ना कहीं चिढ़ थी, लेकिन ये आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं ना बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, इसने क्या किया जैसे इसको पता चला कि मैसूर पे अटैक करने वाले हैं निजाम पेशवा और बीईआईसी तीनों मिलके, तो इसने पेशवाओं से एक संधि कर ली और इसने पेशवाओं को कहा कि भाई तुम मेरे ऊपर क्यों अटैक करना चाहते हो, पैसे के लिए, तुम्हें पैसा ही तो चाहिए, 3,500,000 रुपए देता हूं मैं, मेरे ऊपर अटैक मत करना 3,500,000 बिना लड़े। सोचो उन्होंने कुछ यूज नहीं किया, कोई हथियार कुछ नहीं किया, 3,500,000 उनके राज्य में आ गए, उनको क्या जरूरत है लड़ने की, उन्होंने ठीक है 3,500,000 दे, हमें कोई जरूरत है, हम नहीं लड़ेंगे। निजाम को भी उन्होंने किसी संधि के तहत एक मिडिल मैन कहीं से ढूंढा और निजामों को कहा तुम क्यों पंगे में पड़ रहे हो, तुम्हारा क्या लेना देना है, अपने आराम से अपने राज्य में शांति से बैठो, आज तुम इससे लड़ लोगे लेकिन फिर कल ये तुमसे लड़ेगा, फिर तुम
कहां जाओगे, निजाम भी पीछे हट गए। और इस लड़ाई में अकेले कौन पड़ गया, बीईआईसी। होगा अमीर बीईआईसी, कुछ दिन से कुछ सालों से अमीर है, लेकिन बीईआईसी इस देश का है नहीं अभी। बीईआईसी उतना मजबूत नहीं है कि उसको उखाड़ना संभव ना हो। बीईआईसी लड़ने तो आ गया, आंग्ल मैसूर युद्ध तो उसने स्टार्ट कर दिया 1767 में, जो 2 साल चला भी, लेकिन 2 साल में इसकी ऐसी भदपिटी, इतनी बेइज्जती हुई कि इसको छिपने की जगह नहीं मिली। इसकी फौज आ गई, इसकी सेना आ गई, और यहां से आते हुए जब उसने देखा ना ये आए ना ये आए, अकेला कितने दिन चलेगा। इसके ऊपर अटैक तो कर दिया, पर फिर अटैक में इसने ऐसी खदेड़ी इनकी सेना कि जो इनका वो किला था ना मद्रास वाला, मद्रास में इन्होंने किला बना रखा था पहले, वहां छिप गए जाके। इतने बेशर्म थे ये लोग, इनको शर्म नहीं थी बिल्कुल, वहां छिप गए। और जैसे ही वहां पहुंचा हैदर अली अपनी सेना के साथ, तो तुरंत इसके पैरों में गिर गए कि हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। जैसे अंग्रेजों की एक बहुत जो चालाकी थी ना, वो ये थी कि जैसे ये पकड़े जाते थे ना स्टार्टिंग में, तो एकदम से ऐसे करते थे जैसे पता नहीं हमारे गुलाम बनने को तैयार हैं। और यही नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडियंस की आदत बहुत खराब है कि हम बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, हम बहुत काइंड हार्टेड है। एक तरफ वो अच्छाई है, लेकिन अब देखो कैसे बुराई साबित होगी। इसने जो ये हैदर अली है, अपने प्रशासन और अपनी सेना की मजबूती के दम पे इन दोनों को तो साइड कर दिया। बीईआईसी उससे लड़ने आया तो इतना खदेड़ा कि अपने किले में घुस गए कि कहीं जान से ना मार डाले। और किले में घुस के चाहिए तो ये था हैदर अली को कि इनको जान से मार देता। अगर उस किले पे हैदर अली अटैक कर देता ना, तो हैदर अली की एक जो अंग्रेजों की पकड़ का एक कारण था ना, वो किला, उस किले को खत्म कर देता। और इस तरह से इनका यहां आने का कोई मतलब नहीं था दोबारा। लेकिन हैदर अली काइंड हार्टेड थे, जैसे इनके सामने वो माफी मांगने लगे तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। सोचो जीता हुआ आदमी इनको खदेड़ के क्यों नहीं भाग गया। लाइव सेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक बार देखना जरा, देख लो एक बार, ये चल भी रहा है कि इसमें प्रॉब्लम आ गई है शायद। चलिए चल रहा है, उसमें वो ट्रैंक हैज टेकन ओवर कुछ मैसेज है, एक बार देख लो। चलिए आगे क्या हुआ, तो हैदर अली जो है ना, इसने एक गलती कर दी है। ये गलती हारने वाली नहीं है, लेकिन ये गलती उस सांप को इसने जिंदा छोड़ दिया जो इसको डसने आया था, उसको खत्म कर देना चाहिए था। एक किले को या तो खुद कब्जा कर लेता है, तुड़वा देता। अंग्रेजों की इतनी औकात थोड़ी थी कि फिर दोबारा बना लेते, लेकिन ये गलती करके उनको जिंदा छोड़ के, और इन्होंने कहा ठीक है अब दोबारा मत आना, एक संधि करो, एक ट्रेटी करो। तो ये पहले युद्ध की संधि है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर मतलब ये हैदर अली, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ये 2 साल चला 1767 से 1769, और इसमें हैदर अली जीता है। अंग्रेज हारे, अंग्रेजों का कोई बड़ा लीडर का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन अंग्रेज हारे हैं। और मद्रास में जहां वो घुस गए थे ना, वहां जाके मद्रास की संधि करके आया है हैदर अली। अब सुनने वालों को लगा वाह भाई ये सच में ताकतवर है, इसने हरा दिया, लेकिन ये क्या गलती कराया, उनको जिंदा छुड़ाया। उनकी हिम्मत जो थी ना, वो इतनी दोबारा बढ़ेगी कि वो दोबारा आए और दोबारा काम करें। और कुछ ही साल बाद अंग्रेज इतने बेशर्म थे कि इस संधि में लिखा गया कि तुम दोबारा हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे, जितना हमारा खर्चा हुआ है मैसूर का, खर्चा तो होता है ना, 2 साल सेना गई, उन्होंने खाया पिया, हथियार खराब हुए, तो उसका खर्चा तुम दोगे, यानी बीईआईसी हमारा खर्चा भी देगी, और आगे अगर कभी दिक्कत हुई तो बीईआईसी हमारी मदद भी करेगी। ऊपर बैठा था हैदर अली, और जो अंग्रेज थे ना डरपोक जो भाग गए थे, ये नीचे हाथ बांधे खड़े थे, हैदर अली राजा की तरह और ये नौकर की तरह, और वहां संधि पर साइन कर दिए। संधि पर साइन कर दिए, हैदर अली अपनी तरफ से फ्री हो गए। ये अंग्रेज हैं गद्दार और बहुत ही ज्यादा घटिया, ये इस चीज को समझेंगे नहीं कि संधि में क्या लिखा है, सिर्फ डर के मारे कि कहीं मरना पड़े साइन करके अपना चल पड़े। ठीक है कोई बात नहीं, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई है, हैदर अली की। हैदर अली बहुत तेज दिमाग है, धीरे धीरे करके अपना सारा प्रॉपर्टी टैक्स सब कुछ बढ़ाता गया, और फाइनली जाके एक बड़ा आदमी बड़े शस्त्रागार के साथ बन गया। लेकिन ये अंग्रेज जो गद्दार है ना, खुद भी गद्दार है, अपने जैसे गद्दार ढूंढ भी लेते हैं, दोबारा फिर से आ गए। अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ने आ गए। ये आंग्ल मैसूर युद्ध सेकंड हुआ, थोड़े समय बाद हुआ, लेकिन हाँ ये लड़ने आ गए 1780 में। और इस बार फिर से इन्होंने अपनी एक ताकतवर सेना बना रखी है, क्योंकि इतने साल से हमारे टैक्स खा रहे हैं, हमारे देश का पैसा खा रहे हैं, अपनी सेना बढ़ाते जा रहे हैं, और अब ये लोग सेना को सैलरी वैलरी सब अच्छी देने लगे, तो जो सैनिक है ना वो इनके प्रति भक्ति करने लग गए। 1780 में ये फिर आए, और इस बार जब आए ये, तो इस बार मैसूर को इन्होंने टारगेट बनाया। मैसूर तैयार था, उसको पता था ये बाज नहीं आएंगे, बार बार आएंगे। मैसूर में जब दोबारा अटैक हुआ, तो इस बार ये युद्ध लंबा चलेगा। 1780 में जब स्टार्ट हुआ, तो फिर से हैदर अली तैयार था, हैदर अली इनके ऊपर हावी रहा, 1 साल 1.5 साल सही बीता। अच्छा, इस युद्ध की खासियत, इस युद्ध में मराठों ने हैदर अली का साथ दिया। स्टार्टिंग में मराठे जो थे ना, वो आ गए मैसूर की हेल्प करने के लिए। स्टार्टिंग के एक साल में 80 से 1781 मैसूर में मैसूर को फायदा हुआ कि मराठों की ताकतवर सेना, जिसका एक डंका बजता था शिवाजी का एक टाइम पर, वो हमारे साथ है। लेकिन धीरे 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 मैसूर पीछे, ये मराठे पीछे हटने लग गए, और एक साल खत्म होते होते मराठों ने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया, जैसे ना जाते ना सेना भेजते। ये युद्ध लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, इसीलिए मराठों का इंटरेस्ट इनमें से खत्म हो गया, इन्होंने खास इंटरेस्ट नहीं लिया। इसके बाद 1780 जो है ना, ये खींचते युद्ध 82 आ गया। 2 साल हो गए, 2 साल बहुत होते हैं, सोचो 2 साल युद्ध लड़ना। 1782 में फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी लग गई, और हैदर अली युद्ध के बीच में ही डेथ हो गई, हैदर अली की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु होते ही राजा के जनरली सेना जो है वो हथियार डाल देती थी, लेकिन इतनी बढ़िया इसने अपनी सेना, ऐसी देशभक्त सेना थी मैसूर की, कि बेशक राजा मर गया, रातों रात ये खबर किसी को दी ही नहीं कि राजा हमारा चल बसा। 3 दिन बाद अंग्रेजों को पता चला कि इनका तो राजा ही नहीं है, बिना राजा के इतने बढ़िया लड़ते रहे। और इतना अच्छा इन लोगों ने एग्जांपल सेट किया हिस्ट्री में कि राजा एक्सपायर हुआ, तुरंत से गद्दी दूसरे उसके बेटे के हाथ में दे दी 1782 में, और इस युद्ध में रातों रात टीपू सुल्तान अगला राजा बन गया।
अपने एरिया का मालिक, किसी ने ची नहीं की, ना कोई विरोध में आया कि टीपू कैसे बन गया, ना सेना ने कहा कि हम नहीं लड़ते। अंग्रेजों को पता ही नहीं चला कि इनका राजा मरे हुए भी 3 दिन हो गए और नया राजा बन गया टीपू सुल्तान, जो कि तुमने सुना भी होगा मैसूर का शेर कहलाता है। इसके झंडे पर भी शेर बना होता था, तो ये कहलाता है मैसूर का शेर। इसने अपने पिताजी के काम को बखूबी निभाया, लेकिन ये युद्ध ज्यादा ही लंबा चलता चला गया और फाइनली ऐसा हो गया कि कहीं अंग्रेज जीतने लग गए, कहीं ये जीतते, फिर अंग्रेज जीतते, फिर ये जीतते, ये क्लियर ही नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा। और दुखी होते 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 अब इन सबके मन में आया कि यार बहुत लड़ाई हो गई, अब किसी तरह हमारा पीछा छूट जाए इस लड़ाई से, हम तो बहुत दुखी हो गए, मैसूर वाले भी और अंग्रेज भी दोनों परेशान है, किसी तरह हमारा पीछा छुड़वा दो इस युद्ध से। फाइनली जाके ये युद्ध लगभग लगभग बराबरी सी पे खत्म हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि टीपू सुल्तान हारा, ना हम ये कह सकते कि अंग्रेज ऐसा जीते, कहीं जगहों पर टीपू की विजय हुई, कई जगहों पर BEIC जीती। फाइनली 4 साल में दुखी होकर परेशान होकर इन दोनों ने आपस में एक संधि कर ली। अब मैं इसको हटा दूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ सन याद रखना 80 से 84। और यहां पे जो संधि हुई ना वो कहलाती है मंगलौर की संधि। पेपर में संधियां आ जाती है, मिलान करो में, फिर वहां याद नहीं रहती, मंगलौर की संधि। अब 4 साल से युद्ध करते करते सेना भी थक चुकी थी, राजा भी थक चुके थे, सब परेशान थे, तो युद्ध बंद कर दिया मंगलौर की संधि से। लेकिन हाँ, जैसे पिछले युद्ध की संधि में ऊपर बैठा था हैदर अली और नीचे खड़ी थी सेना, इस बार युद्ध लगभग बराबरी पर था, तो ऐसा नहीं है कि इस बार अंग्रेज हारे हैं, तो अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ेगी, इसलिए बहुत जल्दी वो तीसरी बार फिर से आ जाएंगे आंग्ल मैसूर युद्ध करने के लिए। आंग्ल मैसूर युद्ध थर्ड वाला बहुत ही जल्दी आ गए 1790 में, 84 में गए थे और 90 में फिर से आ गए, क्योंकि उनको तो भैया ये था कि कुछ भी करके हड़पना है, उनका ये था ही नहीं कि बेशक हमारे सैनिक मरते हो मरे, क्योंकि इंडियन ही तो थे सैनिक भी ज्यादातर, लेकिन हमें ये हिस्सा चाहिए, मतलब चाहिए किसी भी कंडीशन पे हमें ये हिस्सा लेना है। तो 1790 में ये लोग आए तीसरी बार इनसे लड़ने के लिए, और इस बार इन्होंने बहुत चालाकी चली। क्या चालाकी चली? जो ये मराठे थे ना, इनको अपने फेवर में कर लिया इस बार BEIC ने। पिछली बार देखो 1 साल मराठे मैसूर के लिए लड़े, लेकिन अब नहीं लड़े, अब वो इनकी तरफ से अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे। निजाम भी आ गए कि भैया हम भी जो है अंग्रेजों के साथ हैं, निजाम भी लड़े। तो मराठे निजाम दो तरफ से तो अपने इंडियन शत्रु बन गए इसके, और एक तरफ से BEIC। कर्नाटक इन्हीं के फेवर में था, मद्रास इनका गढ़ था, तो एक तरह से ना चारों तरफ से घिर गया मैसूर। एक तरफ तो पानी है, भाग नहीं सकता भाई, इस तरफ कहां भाग के जाएगा, अगर अटैक हो गया तो भागने की जगह तो नहीं ना, कहां भागे। यहां से मराठे अटैक करेंगे, इधर से निजाम करेंगे, कर्नाटक अंग्रेजों का फेवरेट है, मद्रास उनका इलाका है, तो तीनों तरफ से घेर के और तीनों अटैक करेंगे। BEIC शामिल है, मराठे भी शामिल हैं, पेशवा जिनको आप कहते हैं, और निजाम भी शामिल है, कर्नाटक भी उसका है, और ये निजाम जो इतने घटिया, ये लोग भी, ये भी गद्दारी करेंगे, और ये BEIC को एक हिस्सा दे देंगे उत्तरी सरकार अपनी प्रॉपर्टी में से, कि आपका हिस्सा है, हमने आपको दे दिया, आपको जैसे रहना है, जो करना है इस हिस्से में करो। तो ये सोचो उनकी तो और जड़ मजबूत हो गई, पहले तो एक किला भर था ना, लेकिन अब उत्तरी सरकार वाला इलाका भी निजामों ने उनको दे दिया, तो बिल्कुल अकेला घिर गया। ये जो तीसरा युद्ध है ना, इसमें टीपू सुल्तान बिल्कुल अकेला पड़ गया, टीपू सुल्तान, लेकिन टीपू सुल्तान शेर है, टीपू सुल्तान फिर भी लड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं मराठे इसके साथ क्यों आए, क्योंकि मराठे पहले अंग्रेजों के साथ क्यों गए, पहले तो इसके पिताजी के टाइम में तो नहीं गए थे, पिताजी ने पहली में देखो 35 लाख दिए, दूसरी में मराठे अपनी मर्जी से लड़े। एक सच्चाई की घटना यह है कि टीपू सुल्तान कट्टर था थोड़ा सा, वैसे किताबें लिखती है टीपू सुल्तान धर्मनिरपेक्ष, लेकिन रियलिटी यह है टीपू सुल्तान थोड़ा सा कट्टर मुसलमान था, और इसने जबरन धर्म परिवर्तन कराया, जबरदस्ती हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन, इस नीति के कारण, वैसे किताबें लिखती नहीं है लेकिन सच्चाई यही है, इक्की दुखी हाई लेवल पर किताब पढ़ते हैं तो पता चलता है, इस नीति के कारण मराठे तो प्रॉपर देखो हिंदू थे, याद करो शिवाजी महाराज, शिवाजी की पूजा करने वाले जो लोग थे, जो पेशवा थे, जो वहां के लोग थे, ये सब तो हिंद स्वराज की बात करते थे, कट्टर हिंदू, और ये जबरदस्ती अपने एरिया में पढ़ने वाले हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो इस बात से मराठे एंटी हो गए, और मराठों ने कहा हमने तो बहुत बड़ी गलती की, जो तेरे पिताजी का हमने कभी साथ दिया हम इसका साथ नहीं देंगे, और अब वो BEIC के साथ मिल गए। तो BEIC ने इसी चीज का फायदा उठाया और उनको उकसाया कि देखो तुम्हारे धर्म को कैसे चेंज करा रहा है, ये अच्छा आदमी नहीं है, और BEIC की कान भरने के कारण मराठों के मन में आया कि हाँ यार ये ठीक नहीं है, और ये हमारे लोगों को हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो टीपू सुल्तान है ना, इसके विरोध में बहुत सारे लोग आ गए तुरंत से इकट्ठे, और इसी कारण तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 2 साल कहने को ये युद्ध चला, लेकिन इस युद्ध में लगातार टीपू हारता गया, और 1790 से 1792 आते-आते ये क्लियर कट दिखने लग गया कि टीपू बुरी तरह से हारेगा, और इस तरह से हारेगा कि अपने एरिया में, अपनी टेरिटरी में पीछे-पीछे हटते-हटते राजधानी तक आ जाएगा। जैसे राजा जो दिलेर होता है ना, वो अपनी राजधानी के बाहर की तरफ खड़ा होता है कि जो आएगा मैं बाहर ही देख लूंगा, लेकिन ये पीछे हटते-हटते-हटते-हटते अपनी टेरिटरी में, अपनी राजधानी के अंदर आ गया, तो वो अटैकर अटैक करते-करते-करते इसकी राजधानी तक घुस गए, तो अब ये तो घिर गया ना चारों तरफ से, इसीलिए इसकी राजधानी जिसका नाम था श्री रंगपट्टनम, ये आज भी शहर है, श्री रंगपट्टनम राजधानी है टीपू सुल्तान की। यहां पे जब घुस गया तो ऑप्शन नहीं बचा, अब कहां भागेगा, वो आ गए सारे हावी होके BEIC में, उनके लीडर, और BEIC ने कहा साइन करो तुम इस, ये जो युद्ध तुमने लड़ा है ना, लड़े तो खुद ने नाम इसका लगा दिया, इसके बदले हमें 3 करोड़ रुपए दो। मैं 3 करोड़ आज अगर कहूं तो बहुत बड़ा अमाउंट है आज की डेट में, आपको सोचो 3 करोड़ रुपए का मजाक नहीं है। आज कितने साल बीत गए, ये लड़ाई कब की हो रही है, 1790, 1990 गए हुए भी 30-40 साल हो गए, यानी 250 साल पहले लगभग की बात कर रही हूं मैं, 240 साल पहले, तो बहुत पुरानी बात है। उतने साल पहले 3 करोड़ रुपए कितने रहे होंगे, सोचो आज भी 3 करोड़ आम आदमी के लिए बड़ी बात है, तब 3 करोड़ की क्या वैल्यू रही होगी, कितनी बड़ी रकम मांग ली, बोले 3 करोड़ रुपए दे, और अगर, और ये अकेला ये नहीं, ये बोले जो तेरी टेरिटरी है ना, इसका आधा हिस्सा भी अब अंग्रेजों का है BEIC का, तो अपनी टेरिटरी भी गंवानी पड़ेगी, ये हिस्सा जाएगा अंग्रेजों के हिस्से में, और